देश भर के पेंशनर कर्मचारी अपनी मूलभूत मांगों को लेकर इन दिनों आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आंदोलन की रूपरेखा अनुसार ग्वालियर में 2 दिवसीय धरना देकर सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। बताया जा रहा है देश भर के 22 राज्यों के पेंशनरों ने जिला मुख्यालय जाकर अब तक कितने ही ज्ञापन दिए, लेकिन मांग पूरी नहीं होने की दशा में ग्वालियर में महाकुंभ का आयोजन 26 और 27 मई को होने जा रहा है। इस दौरान संघ ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन सतत जारी रहेगा। शुक्रवार को जिले भर के पेंशनर्स बस स्टैंड से ग्वालियर के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की है। संघ के राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि पेंशनर्स की मांगों को लेकर 2 दिवसीय ग्वालियर महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। 15-16 साल से लंबी थे और शासन हमारी मांगों को अनदेखा कर रहा है, इसलिए संपूर्ण देश के 12 राज्यों के हमारे पेंशनर साथी ग्वालियर में 2 दिवसीय धरना आंदोलन करेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे। क्या मांगे, क्या रहेगी, क्या मांगे, किस मांग को लेकर जा रहा है? हमारी जो मांगे हैं वो छठे वेतनमान के 32 महीने का एरियर है और सातवें वेतनमान का 27 महीने का हमारा एरियर बाकी है, तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब दोनों प्रदेश अलग हुए तब से धारा 49(c) लागू की है, जिससे हमारा जो एरियर का भुगतान है वो देर होती है। और जब शासन रेगुलर कर्मचारियों को वेतन भत्ता देती है उस तारीख के 5-7 महीने बाद हम लोगों को वो लाभ मिल पाता है, तो धारा 49 समाप्ति को लेकर भी हमारी मुख्य मांग है। ये आंदोलन कब से शुरू है? आंदोलन हम पिछले 1 महीने से लगातार धरना आंदोलन कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर कलेक्टर को, सांसद विधायकों को भी ज्ञापन हमने सौंप दिए हैं, परंतु इस पर कोई निर्णय नहीं सरकार ले रही है, इसलिए हमको यह कदम उठाना पड़ा। क्या ग्वालियर में कब है आंदोलन? ग्वालियर में 27 और 28 तारीख को 2 दिवसीय धरना आंदोलन होगा और ज्ञापन रैली होगी। कहाँ की जगह है ग्वालियर में? कहाँ पर? ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास लालबाग में ये स्थान नियत किया गया है। अच्छा, अपने यहाँ से कितने लोग शामिल हो रहे हैं, अपने यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं? 40 हमारे संपूर्ण जिले की प्रत्येक तहसील से अलग अलग हम लोग 50 की संख्या में ग्वालियर में उपस्थित होंगे। क्या नाम है आपका? इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष प्रभो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।